गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज राज्यसभेत फौजदारी प्रक्रिया ओळख विधेयक 2022 मांडलं. गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये ओळख आणि तपास आणि नोंदणी जतन करण्याच्या हेतून दोषी आणि इतर व्यक्तींचे मोजमाप घेण्यासाठी या विधेयकात तरतूद आहे. लोकसभेनं यापूर्वीच हे विधेयक मंजूर केलं आहे. पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये सारे राज्यों ने कई परिवर्तन, समयानुकूल परिवर्तन किए, परंतु इस पर समग्रता से विचार करकर माप रखने की आधुनिक से आधुनिक तकनीक से माप का डेटा स्टोरेज हो, अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर से इसका एनालिसिस हो, इसके आधार पर गुनाह करने की मानसिकता, हर जिले में किस प्रकार के गुनाह होते हैं, हर प्रदेश में किस प्रकार के गुनाह ज्यादा होते हैं, और इसके आधार पर वो जिले और प्रदेश की गुनाह को रोकने की पुलिस की रणनीति बन पाए, इस प्रकार की एक व्यवस्था, इसको कानूनी स्वरूप लेने के लिए मैं यहां विधेयक लेकर उपस्थित हुआ हूं. संविधान अनुसूचित जमाती आदेश दुरुस्ती विधेयक 2022 आज राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं. आदिवासी व्यवहार राज्यमंत्री रेणुका सिंह यांनी हे विधेयक मांडलं. त्रिपुरा राज्याशी संबंधित अनुसूचित जमातींच्या यादीत काही समुदायांचा समावेश करण्यासाठी हे विधेयक संविधान अनुसूचित जमाती आदेश 1950 मध्ये आणखी सुधारणा करेल.